हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दिस सेशन ऑफ ज्ञानदीप। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज सिल्क रोड। इससे पहले वाला जो चैप्टर है एडवेंचर, वो शायद डिलीट कर दिया गया है, तो आप लोग भी चेक कर लें, तो वो चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे। सिल्क रोड जो है हमारा लास्ट चैप्टर है, और इसके बाद जो है हम रिविजन करेंगे। दिस चैप्टर फॉर्म्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑथर्स ट्रेवलॉग। उसके जो ऑथर का जो सफरनामा है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पे बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और जो ऑथर की जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है? सिल्क रोड से। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है सिल्क रोड, और इसको बोलते हैं सिल्क रोड, सिल्क रूट या ट्रेड रूट, क्योंकि यहाँ से जितना व्यापार होता है, ट्रेड मीन्स व्यापार, जितना व्यापार होता है इसी रूट से होता है। और चाइना को जो है वेस्टर्न कंट्रीज से जो जोड़ती है, वो यही जो है रोड जो है सिल्क रोड जो है इसको जोड़ती है। और एंशियंट टाइम पे क्या होता था, जितना भी हमारा ट्रेड होता था, चाहे सिल्क का होता था, तो ये सिल्क का जो व्यापार है इसी रोड से जो रूट से जो है पश्चिमी देशों में, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो सिल्क जाता था वो इसी रूट से जाता था। और ईस्टर्न साइड में जो हमारा वूल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और जो हमारे क्रिश्चियनिटी है, ये सारी चीजें जो है बुद्धिज्म है, ये सारे क्या है ईस्ट वर्ल्ड को, तो ये रोड जो है हमें ईस्ट और वेस्ट से दोनों को जोड़ती है। और ये अप्रोक्स जो है 6400 किलोमीटर है। कितनी है? 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर है, तो इट इज कहाँ से शुरू होती है? ये सियान एक जगह है चाइना में, वहां से शुरू होती है, और एंड कहाँ होती है? मेडिटेरेनियन सी पे, भूमध्य सागर पे, वहां पे ये एंड होती है। और कितनी किलोमीटर लंबी है? 6400 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो है इसीलिए इसका नाम रखा है सिल्क रोड, क्योंकि जो ऑथर की जो यात्रा है, जो वो जर्नी कर रहा है, तो वो भी कहाँ से शुरू हो रही है? सिल्क रोड से ही, सिल्क रोड में ही इंक्लूड होती है वो, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि ऑथर जो है अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करता है? रावू रवू एक जो है गांव है तिब्बत में, माउंटेन पहाड़ पहाड़ी गांव जिसको बोलते हैं, माउंटेन विलेज है, और वहां से अपनी यात्रा कहाँ तक शुरू करते हैं? दार्चेन से, और वहां से वो कौरा, कौरा मीन्स पैदल यात्रा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे ही जो है बौद्ध धर्म में जो है किसी भी चीज की जो परिक्रमा करते हैं, तो वैसे ही जो है ऑथर ने डिसाइड करा था कि मैं भी जो है कौरा करूंगा, तो दार्जिलिंग से जो कैलाश मानसरोवर की जो है यात्रा कैसे करूंगा मैं? पैदल। डिफिकल्ट वर्ड्स जो है हाईलाइट करें, और मैं जो हूँ जैसे ही पढ़ाती रहूंगी तो मैं इनको जो है आप लोगों को जो है डिस्क्राइब करती रहूंगी, और मीनिंग जो है इन वर्ड्स का बताती रहूंगी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि सिल्क रोड, सिल्क रोड क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा जो ट्रेड होता है, सिल्क का ट्रेड जो होता है वेस्टर्न कंट्रीज में जो होता है, वो यहीं से शुरू होता है। और जो ऑथर की, निक मिडिलसन की जो यात्रा है, वो भी जो है सिल्क रोड से ही शुरू हुई है, तो वही उसी को जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो इफ फ्लोलेस हाफ मून फ्लोटेड। अब यहाँ पे फ्लोलेस, फ्लोलेस मीन्स क्लियर, साफ। मौसम कैसा था? बिल्कुल साफ था, फ्लोलेस था। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग बता रही हूं मैं, तो आप लोग जो है ध्यान से देखें। फ्लोलेस मीन्स क्लियर, साफ। फ्लोलेस हाफ मून, परफेक्ट, एक हाफ मून जो है, सबको पता है हाफ मून कब होता है? वन जो है पूरा, जो मून की कितनी होती है? 8 फेसेस होती हैं। तो हाफ जो था डार्क था, और हाफ जो था, जैसे आप लोगों ने बनाए होंगे एसएसटी में पढ़ा होगा, सोशल स्टडी में, तो हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग। सुबह का समय था जब यात्रा जो है किसने शुरू करी थी, ऑथर ने जब यात्रा शुरू करी थी, तो स्काई जो है क्लियर था, जैसे हम सुबह उठते हैं, डॉन का टाइम होता है, सनराइज करता है, तो क्या देखते हैं हम कभी कभी, क्या देखते हैं कि जब क्लियर जो है बिल्कुल स्काई जो है बिल्कुल क्लियर होता है, तो वहां पे जो है सन जो सॉरी मून जो है क्या करते हुए दिखता है? फ्लोट करते हुए दिखता है, वहां पे हमें हाफ मून कभी जो है हमें दिखाई देता है। तो हाफ मून जो है पूरे फेसेस में दो बार ही आते हैं, एक तो टर्न वाइज आता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि
कि मॉर्निंग का समय था, स्काई जो है बिल्कुल क्लियर था और उसमें जो है हाफ मून जो है फ्लोट कर रहा था। वी सेड आर गुड बाइस, और जो है उन्होंने अपनी यात्रा जैसे अभी आएगा कि, और कौन कौन थे उनके साथ में पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, उनका जो है गाइड था उसका नाम क्या था, डैनियल, और एक ड्राइवर था जिसका नाम था सैतन। टी यहाँ पे साइलेंट रहेगा, तो सैतन जो था ड्राइवर था और डैनियल कौन था, गाइड था उनका। तो ये दो जने जो थे माउंट कैलाश की जो यात्रा थी उनकी, उनके साथ थे दो लोग थे। और जिस घर में वो रुके हुए थे, वो जो विलेज था वहां पे एक लेडी थी जिसका नाम था लामो, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, और जो बादल थे लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स। और फ्रेंच लोव्स यहाँ पे क्या है कि फ्रेंच लोव्स का मतलब कि जो लोव्स जो हम ब्रेड खाते हैं, हम तो स्लाइस में लेते हैं, परंतु वहां पे क्या है, स्लाइस नहीं करनी है ब्रेड की, साबुत जो ब्रेड होती है, जो ब्रेड का साइज है विदाउट स्लाइस, उसको बोलते हैं फ्रेंच लोव्स। जो बादल थे यहाँ पे, बादलों की कंपैरिजन किससे करी है, फ्रेंच लोव से करी है, कि ब्रेड के जैसे पूरी फुल ब्रेड को देखेंगे अगर बिना स्लाइस के, तो जितने बड़ी वो होती है, तो वो कह रहे हैं कि जो क्लाउड्स थे, बादल जो थे एक्सटेंड कर रहे थे लोव्स ब्रेड की तरह, ग्लोड पिंक एज द सन इमर्स्ड स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद द रोज टिंटेड ब्लश। और जब सनराइज करता है, जब सूरज निकलता है, तो सबसे पहले कौन सा कलर आता है, रेड। तो रेड कलर जो है सारी जो है चारों तरफ जब फैलता है, तो सुबह देखना कैसा गुलाबी सा चारों तरफ फैल जाता है, पिंक कलर हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि ग्लोड पिंक एज अ सन, और जो बादलों में भी जो कलर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है, क्योंकि सनराइज हो रहा है। और टू स्प्लैश द डिस्टेंट, और जो माउंटेन टॉप्स हैं वो भी क्या करिए, विद ए रोज टिंटेड ब्लश, और वो भी ब्लश कर रहे हैं पिंक कलर से। तो इसका मतलब है कि चारों तरफ कैसा कलर था, मौसम साफ था, और जो कुछ क्लाउड्स जो है ब्रेड शेप के थे के बराबर थे, वो जो है सारी चारों तरफ कैसा कलर हो रहा था, मॉर्निंग में पिंक कलर हो रहा था और जो है सनराइज कर रहा था। नाउ दैट वी वर लिविंग रावो, अब रावो जो विलेज है जहाँ पे एक माउंटेन विलेज है तिब्बत में, वहां पे जो है कौन कहाँ से यात्रा शुरू करी थी, रावो विलेज में। तो ये आप लोग जो है ध्यान से सुनिए कि किस विलेज से, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि सिल्क रोड क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि जो हमारे ऑथर की जो यात्रा हुई थी वो भी यहीं से शुरू हुई थी, और जितना हमारा व्यापार होता है सिल्क का जो वेस्टवर्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में, और ईस्टर्न की साइड जो है सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वूल हो गया, ये सारे जो है ईस्टवर्ड से इसी रूट से होता है, इसलिए इसको सिल्क रोड बोलते हैं। तो रावो से जब उन्होंने क्या है, दैट वी वर लिविंग, जब वो वहां से क्या कर रहे थे, लीव कर रहे थे, छोड़ रहे थे, तो लामो सेड, लामो जो है वही लेडी है जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, तो लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। और लामो जो है उनको क्या करना चाहती थी, एक फेयरवेल। फेयरवेल सबको पता है, सब इस वर्ड से फैमिलियर है, फेयरवेल मीन्स विदाई। तो जब वो वहां से जा रहे थे, रावो विलेज से जा रहे थे, तो वो उनको क्या देना चाहती थी, एक गिफ्ट देना चाहती थी। कौन, लामो, वो वुमेन जो वहां पे रहती थी। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। अब एक बारी जो है पुरानी बात बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर, कि एक बार जो उन्होंने जो है डैनियल के थ्रू जो है को बताया था, के थ्रू जो है उसने पता चला था कि माउंट कैलाश की जो है मैं एक कोरा मीन्स जो पद यात्रा, पैदल यात्रा जो है मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि अपने साथ क्या रखना, टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड है, तो इसलिए अपने साथ क्या रखना, वार्म क्लोथ्स। आफ्टर डकिंग बैक, अब यहाँ पे डकिंग बैक का मतलब क्या होता है, कि डकिंग बैक का मतलब है गोइंग इनसाइड एंड देन कमिंग आउट। तो वो क्या करा उन्होंने, इज इट क्लियर, डकिंग बैक का मतलब क्या होता है, गोइंग इनसाइड देन कमिंग आउट। तो वो क्या है, अपने टेंट के अंदर गई और फिर वापस आई। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डकिंग बैक, डकिंग बैक मीन्स गोइंग इनसाइड, अंदर जाना, देन कमिंग आउट, और फिर बाहर आना। तो वो जो है आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, टेंट के अंदर गई और फिर जो है वो
वापस आ गई. शी इमर्स कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट्स दैट ऑल द मेन वोर. और फिर जब वो बाहर आई, अपने टेंट से बाहर आई, पहले अंदर गई फिर बाहर आई, और क्या लेके आई अपने साथ, वो एक लंबा सा लॉन्ग स्लीव शीप स्किन, भेड़ की खाल का जो क्या लेके आई थी, एक कोट लेके आई थी, जो वहां के ज्यादातर लोग क्या पहनते थे, आदमी लोग वो पहन के रखते थे. सेटन साइज मी अप. अब जो है यहाँ पे साइज मी का मतलब है यहाँ पे कि वो कंटिन्यूस जो है मुझको देख रहा था. मी अप एज वी क्लाइंबर्ड इनटू हिज कार. तो सेतन जो ड्राइवर, यहाँ पे सेतन कौन है, ड्राइवर है. डैनियल कौन है, गाइड है. तो सेतन क्या कर रहा था, उनको घूर रहा था. साइज मी अप मैंने कंटिन्यूस देखना, किसी को कंटिन्यूस निहारना, देखना. मी अप एज वी क्लाइंबर्ड इनटू हिज कार. जैसे ही वो जो है उसकी कार में जा रहे थे तो वो कंटिन्यूस देख रहा था. और क्या बोला वो, अह यस ही डिक्लेयर ड्रोगबा सर. यहाँ ड्रोगबा किसको बोलते हैं, शेपर्ड, जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्रोगबा. तो उन्होंने कहा ओ यस सर. और उसने डिक्लेयर कर रहा है कि सर जो है ऑथर के लिए बोला कि आप कैसे लग रहे हो, ड्रोगबा की तरह लग रहे हो, शेपर्ड की तरह लग रहे हो सर, बिल्कुल परफेक्ट. वी टुक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चेंगटेंग. चेंगटेंग क्या है, एक प्लाटो है. इट इज अ पार्ट ऑफ ए प्लाटो, तिब्बत प्लाटो का जो है एक पार्ट है. तो जैसे उन्होंने कट ऑफ करा तो सेतन न्यू ए रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स द टुवर्ड्स माउंट कैलाश. अब जो सेतन था वो, क्योंकि वहां की रोड्स का जो जो भी रूट था उसका क्या था, वो फैमिलियर था, जानता था. तो उसने कहा कि मुझे क्या है, एक शॉर्टकट पता है, मतलब एक छोटा रास्ता पता है, कहाँ का, माउंट कैलाश का. इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन. और उस रास्ते पे जो थे बड़े बड़े क्या थे, माउंटेन थे, पहाड़ थे, पासेस ही सेट. और बट नो प्रॉब्लम सर, पर उसने कहा कि वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और माउंटेन के बीच में क्या था, पास. पास किसको बोलते हैं, दर्रा. दो माउंटेन के बीच में जो रास्ते होते हैं उनको बोलते हैं पास. ही सेट बट नो प्रॉब्लम सर. तो उसने कहा पर सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ही एश्योर्ड अस, और उसने जो है पूरा जो है एश्योरेंस दिया कि वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम जो है शॉर्ट रूट से चलते हैं. सब चाहते हैं ना कि लॉन्ग रूट से जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो शॉर्टकट. तो सेतन जो है वहां के रूट्स का जो क्या था, फैमिलियर था. तो उसने बोला कि मैं जो हूँ आपको एक शॉर्टकट रास्ते से ले जाता हूँ जहाँ पे हाई माउंटेन्स हैं, पासेस हैं, बट वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ही एश्योर्ड अस इफ देयर इज नो स्नो. और उसने कहा अगर वहां पे क्या हो, बर्फ नहीं हो. What was the likelihood of that? I asked, not knowing, sir. और उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता, until we get there. जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे ये मुझे नहीं पता कि वहां पे बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो ये कन्फर्म कब होगा, जब हम वहां पे पहुंचेंगे. From the gently rolling hills of Ravu, अब जो gentle rolling hills. अब जो है पहाड़ों के, सबको पता है कि एक तो स्टीप साइड्स होती है, खड़े पहाड़ जब होते हैं तो वहां पे दोनों साइड्स कैसी होती है, स्टीप, खड़ी हुई होती है बिल्कुल. और जेंटली रोलिंग हिल्स होती है कि थोड़ा सा स्लोप लिए हुए. तो यहाँ पे जो रावू के जो हिल्स थे वो कैसे थे, जेंटली रोलिंग हिल्स थे. और द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेस. और जब वो रोलिंग हिल्स से जेंटली जो स्लोप था उनका, वहां से आराम से होते हुए वो कहां पे चले गए, एक ओपन प्लेन में चले गए, मैदानी रास्ते पे चले गए, खुला था. विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गेजल्स. अब यहाँ पे गेजल्स किसके लिए यूज हुआ है, और यहाँ पे बारहसिंगा और फ्यू कुछ जो थे वहां पे क्या थे, गेजल्स थे, बारहसिंगा थे, जो कि ओपन प्लेन में थे. दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग. निबलिंग माने कुतरना. जैसे आप लोगों के घर के चारों तरफ जो है गिलहरी क्या करती है, निबल करती है. तो ये भी जो है बारहसिंगा के जो छोटे छोटे थे वो क्या कर रहे थे, निबलिंग कर रहे थे वहां पे. द एरिड पाश्चर्स. एरिड माने सूखे हुए जो थे, झुलसे हुए जो. पाश्चर्स माने चरागाह. एंड फ्रोन बिफोर बाउंडिंग अवे इन टू द वॉइड. वॉइड मीन्स खाली करना. और उनको जो है निबल करने की कोशिश कर रहे थे. फर्दर ऑन
द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस। अब यहाँ पे वाइल्ड एस जो है, आगे वर्ड बताऊंगी, गधे, जंगली गधे, केम इन टू व्यू। सैतन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपियर। अब जो सैतन जो थे, जो ड्राइवर जो था, वो उस प्लेस का क्या था, फैमिलियर था, उसको सारी चीजें पता थी। तो उसने जो है बहुत पहले जो है उसको आवाज आ गई थी, तो उसने बहुत पहले जो है बता दिया था कि यहाँ पे जो है वाइल्ड एस आने वाले हैं। तो जैसे ही वो प्लेन जो मैदानी रास्ते से, जैसे ही वो जब जाने लगे, तो वहां पे क्या है, ग्रासी लैंड जो है खत्म हो रही थी, और स्टोनी वेस्ट जो है रास्ते में जो है पत्थर जो है आने लगे थे, और ग्रास जो है कम हो गई थी। और उसी समय द सेम टाइम क्या हुआ, अ ग्रेट हर्ड, हर्ड में झुंड, और वाइल्ड एस गधे जो थे केम इनटू व्यू, मतलब दिखाई दिए। सैतन टोल्ड, और यही बात जो है सैतन ने उनको बहुत पहले बता दी थी। क्या ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पाल। अब जो है यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है क्या, तो ये जो है वाइल्ड एस के लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, वाइल्ड एस के लिए। ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, मीन्स एक जो है डस्ट का, क्योंकि वहां पे जैसे ये आए थे दौड़ के जंगली गधे, तो वहां पे कैसे कैसा हुआ था, वहां पे धूल का गुबार, जैसे जानवर चलते हैं ना प्लेन एरिया में और फिर स्टोनी एरिया में आए, तो वहां पे क्या आया था, एक डस्ट का जो है गुब्बारा सा जो है उसकी तरफ ध्यान क्या करा उसने, पॉइंट करते हुए बताया कि वो जो है इशारा करा उसकी तरफ जहां से धूल आ रही थी। क्यांग मीन्स वाइल्ड एस बोलते हैं तिब्बत में, तिब्बत में वाइल्ड एस को क्या बोलते हैं, क्यांग। तो उसने सडनली एकदम से बोला, क्यांग ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, एक गुब्बारा सो जो है धूल का उड़ा, क्योंकि जब जानवर जो है तेजी से आते हैं तो क्या हुआ कि वहां पे एक धूल उड़ने लगी। व्हेन वी ड्रू नियर, जैसे ही हमने सामने पास में गए, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग एन मास, और गैलोपिंग माने छलांग लगा रहे थे, कैसे कर रहे थे वो, एन मास मीन्स इन अ ग्रुप, मतलब ये नहीं कि दूर दूर अलग अलग चल रहे थे, वो कैसे, एन मास मीन्स इन अ ग्रुप, और वो जो है झुंड में जो है गैलोप कर रहे थे, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन। व्हीलिंग माने अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, व्हीलिंग मीन्स डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, और जो है इधर उधर जो है दौड़ रहे थे एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैनुवर्स। अब यहाँ पे जो मैनुवर्स है, सीरीज ऑफ मूवमेंट्स, और ऐसा कर लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैनुवर मीन्स क्या होता है, सीरीज ऑफ मूवमेंट, और बहुत ही कुशलता से जो है वो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, जैसे कि कोई वो कोर्स कर रहे होंगे, सारे जो है झुंड में कर रहे थे, सीरीज में कर रहे थे, और जो है अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहे थे, टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, और ऐसा लग रहा था वो किसी कोर्स का क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लम्स ऑफ डस्ट, अब प्लम्स यहाँ पे वर्ड किसके लिए यूज हुआ, ट्रेल, जैसे हम देखते हैं ना कि जब तेजी से भाग रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, या कोई गाड़ी आ रही है, तो पीछे क्या होती है, धूल की एक ट्रेल सी बन जाती है, लाइन सी बन जाती है, ब्लोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और जो साफ हवा थी वहां पे, क्योंकि ओपन एरिया था, हवा जो थी साफ थी, उसमें जो है उठे ब्लोड बने, जो डस्ट के जो पार्टी जो ट्रेल था डस्ट का, जो पूरी लाइन बनी हुई थी वो किसमें उठी, मतलब ब्लोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और जो साफ हवा थी वहां पे उसमें जो है वो मिक्स हो गई। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड मीनिंग बताए, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो अभी जो है हम इससे, जितना हमने अभी पार्ट करा है, इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो है हमने जो अभी जितना डिस्कस करा था, तो उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो है फर्स्ट क्वेश्चन सिल्क रोड का है, कि इसका नाम जो है सिल्क रोड क्यों पड़ा, एक्सप्लेन व्हाई द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, कि क्यों पड़ा है इसका। तो फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन
by the article why the article has been titled तो मेन क्वेश्चन ये है, इम्पोर्टेंट भी है कि एक्सप्लेन व्हाई द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की एंशियंट टाइम पे, इन एंशियंट टाइम्स द सिल्क रोड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यूज्ड टू बी अ ट्रेड रूट. कैसे यूज होता था? ट्रेड यूज, व्यापार के लिए यूज होता था. दैट लिंक चाइना विद द वेस्ट, और चाइना को वेस्ट से जोड़ता था. वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम लासा टू दार्चेन, दार्चेन जो है एक विलेज है, द ऑथर हैड फॉलोड ऑलमोस्ट द सेम रूट. जैसे मैंने अभी बताया था कि सेम रूट, सिल्क रूट जी जो है उन्होंने भी यूज करी थी. दैट इज वाई ही हैज टाइटल्ड हिज आर्टिकल एस सिल्क रोड. इसलिए उन्होंने इसका नाम सिल्क रोड रखा था, क्योंकि उन्होंने भी सेम रूट जो है फॉलो करा था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज लामो? हु वॉज लामो What gift she give to the author? Meaning क्या है इसका? Who was Lamo? Lamo कौन थी? और उसने जो है author को क्या gift दिया? तो हु वॉज लामो, जैसे मैंने अभी पढ़ाते समय बताया था कि लामो कौन थी. लामो वॉज ए तिब्बतन वुमेन, तिब्बतन वुमेन थी, और उसने क्या दिया था? द ऑथर हिज गाइड डैनियल एंड द टैक्सी ड्राइवर सैतन हैड स्टेड एट हर प्लेस इन द तिब्बतन विलेज ऑफ रावू. वो उसके यहाँ ठहरे हुए थे. शी गेव द ऑथर ए लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट एज ए पार्टिंग गिफ्ट, और उन्होंने जो है एक शीप स्किन कोट जो है उनको गिफ्ट दिया था. तो ये दो क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे. जैसे कि अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ा है था सिल्क रोड, और उसमें कैसे जो है वहाँ पे ऑथर जो है किस किस के साथ गए थे. डैनियल जो है उनके गाइड थे, और सैतन कौन थे? उनके ड्राइवर थे, और जो उन्होंने जो है शॉर्ट रूट लिया था, और सिल्क रोड में ही जो है उन्होंने यात्रा कहाँ से शुरू करी थी? रावू विलेज से करी थी, जैसे मैंने आपको बताया था, और कहाँ तक की करनी थी? दार्चेन के लिए करनी थी. तो इस तरह से जो है आज जो मैंने चैप्टर पढ़ा है, आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो जो दो क्वेश्चन करें वो आपके लिए होमवर्क है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय, थैंक यू सो मच.